देखिए, साक्षी मलिक जी भारत की पहली महिला पहलवान थी जिनको ओलंपिक में मेडल मिला, और उस समय पूरे देश के करोड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने, देशवासियों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि एक महिला पहलवान ने ओलंपिक में अपना नाम स्थापित किया, मेडल लेके भारत के लिए आई। और ये बहुत ही दुखद क्षण है, बहुत ही पीड़ादायक क्षण है कि आज अपने बैग में वो पूरा मेडल भर के गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी। उनके साथ कई और पहलवान थे, विनेश फोगाट से लेके और तमाम बजरंग पुनिया, वो सब ने ये तय किया कि हमें ये मेडल गंगा में प्रवाहित करना है। वजह क्या है? वजह है कि एक लंबे संघर्ष के बाद उनको न्याय नहीं मिला। यही दिल्ली में वो लोग बैठे रहे, उनको घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, उस दिन जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, इन पहलवानों से बातचीत करनी चाहिए। कल नरेश टिकैत जी ने इस दिशा में अपनी ओर से जो पहल ली है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने पहलवानों को अपना मेडल प्रवाहित करने से रोका। लेकिन जो काम सरकार का है, जो काम मोदी जी का है, जो काम प्रधानमंत्री जी का है, यही बेटियां जब मेडल लेके आती हैं तो सबसे पहले पहली ट्रेन से उन लोगों को बुलवा के, पहली फ्लाइट से उन लोगों को बुलवा के फोटो खिंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी बेताब रहते हैं, बीजेपी के नेता बेताब रहते हैं, और इतना सब कुछ हो रहा है, वो खामोश हैं, चुप हैं। तो इस बात को पूरा देश देख रहा है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अब इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, वरना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका नारा है वो एक खोखला और मैं तो कहूंगा कि बकवास साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी गलत थी नहीं, मैं समझता हूँ भारत में ही इसके सवाल उठ रहे हैं, भारत के गली मोहल्ले गांवों में इसके सवाल उठ रहे हैं।